सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात ही कुछ ऐसे टॉपिक पे करने वाला हूँ जिस टॉपिक से हर एक स्टूडेंट को, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये टॉपिक आपको बहुत ही डिफिकल्टीज देती है, बहुत ही कठिनाइयां देती है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है यह है कि क्या किसी भी सब्जेक्ट को हम इतना ज्यादा आसान बना सकते हैं, इतना ज्यादा इजी बना सकते हैं कि चीजें हमें एक ही बार में याद हो जाए या एक ही बार में समझ में आ जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में। विजुअलाइजेशन टेक्निक से हम किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं और बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं, बहुत ही जल्दी समझ सकते हैं, और इतिहास जैसे सब्जेक्ट को बहुत ही कम टाइम में खत्म कर सकते हैं। इसी टेक्निक को मैं आप तक पहुंचाऊंगा एक ऐसे सेशन से जिस सेशन को आपको देख के आप इस टेक्निक को सीख जाएंगे। मैं इस सेशन में मॉडर्न हिस्ट्री की बात करने वाला हूं। मॉडर्न हिस्ट्री अपने आप में ही एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को समझना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपको समझ में भी आया तो आप उसे याद नहीं रख पाएंगे। अगर आप याद रख रहे हैं तो सही समय पे सही चीजें याद नहीं रहती है, क्योंकि हम उन चीजों को रखने का प्रयास करते हैं, हम उन चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं। तो इस टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि एक ही बार में चीजें किस तरह से याद हो पाती है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और मैं बताऊंगा आपको कि इस टेक्निक को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा अपने सेशन में कि किस तरह से हम इस टेक्निक का यूज करके पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को आप तक पहुंचाने वाले हैं और इतिहास जैसे सब्जेक्ट को बहुत ही कम टाइम में खत्म कर सकते हैं। इसी टेक्निक को मैं आप तक पहुंचाऊंगा एक ऐसे सेशन से जिस सेशन को आपको देख के आप इस टेक्निक को सीख जाएंगे। मैं इस सेशन में मॉडर्न हिस्ट्री की बात करने वाला हूं। मॉडर्न हिस्ट्री अपने आप में ही एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को समझना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपको समझ में भी आया तो आप उसे याद नहीं रख पाएंगे। अगर आप याद रख रहे हैं तो सही समय पे सही चीजें याद नहीं रहती है, क्योंकि हम उन चीजों को रखने का प्रयास करते हैं, हम उन चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं। तो इस टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि एक ही बार में चीजें किस तरह से याद हो पाती है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और मैं बताऊंगा आपको कि इस टेक्निक को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा अपने सेशन में कि किस तरह से हम इस टेक्निक का यूज करके पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को आप तक पहुंचाने वाले हैं। जैसा कि आप सबके स्क्रीन पे पूरे 13 टॉपिक्स दिख रहे हैं, इन 13 टॉपिक्स को ही हम पूरे कवर करने वाले हैं इस पूरे सेशन में। वन बाय वन करके पूरी की पूरी 13 टॉपिक्स को हम पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में खत्म करने वाले हैं। यहाँ पे लगभग आपको 70 से 80 वीडियो प्रोवाइड होंगी, जिसमें आप देखेंगे कि पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को उसमें कवर किया गया है। जैसे कि आप सबके स्क्रीन पे दिख रहा है कि फर्स्ट टॉपिक है 1857 रिवॉल्ट, 1857 रिवॉल्ट। सेकेंड टॉपिक है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। थर्ड है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मॉडरेट फेस। तो इसी तरह से वन बाय वन करके हम टोटल 13 टॉपिक्स खत्म करने वाले हैं लगभग 80 से 90 वीडियो में। तो रिवॉल्ट, 1857 रिवॉल्ट की मैं बात करता हूं। 1857 रिवॉल्ट तो 1857 की क्रांति, हम इसको बहुत बार पढ़ते हैं, बहुत बार चीजें याद करने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी चीजें हमें भूल जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम चीजों को विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। बट इस सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से चीजें विजुअलाइज करनी है, किस तरह से चीजें समझनी है, और एक बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग आप सबको मैं करा के और पॉइंट्स को किस तरह से कनेक्ट करना है ये चीजें बताने वाला हूं। आइए कनेक्शन की बात करते हैं। कनेक्शन मीन्स क्या? कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे चीजें सीधी सीधी नहीं पूछी जाती हैं, क्योंकि वहां पे चीजें घुमा के पूछी जाती हैं, तो आप याद करके जाते हैं और चीजें वहां पे हैंडल नहीं कर पाते हैं।
बट अगर आपको कनेक्टिविटी का टेक्निक पता है कि किस तरह से हिस्ट्री को पॉलिटी से कनेक्ट करना है, किस तरह से पॉलिटी को इकोनॉमिक्स से कनेक्ट करना है, किस तरह से इकोनॉमिक्स को हिस्ट्री से कनेक्ट करना है, समझ पाएंगे और कोई भी सब्जेक्ट आप लोग के लिए कठिन नहीं रह जाएगा, आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं रह जाएगा। देखिए जिस तरह से इस टॉपिक को लिखा गया है, इसी तरह से हर एक टॉपिक पे आपको लगभग 5 से 6 वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें कि आप सब इस टॉपिक को बहुत ही डीप से विजुलाइज कर पाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से समझ पाएंगे। और यहाँ पे ना केवल फैक्ट चीजें बताई जाएंगी, ना केवल डेट्स और कौन से सन में क्या हुआ ये बताई जाएंगी, बल्कि आपको विजुअलाइजेशन भी कराया जाएगा। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। तो अगर आप इस सेशन को मिस नहीं करना चाहते हैं और आप मॉडर्न हिस्ट्री को एक बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ विजुअलाइज करके समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस तरह से पढ़ाई को लेकर बदलाव आता है, किस तरह से स्टडी को लेकर आपके लाइफ में चेंजेस आते हैं। आप देखेंगे कि विजुअलाइजेशन टेक्निक, जिस टेक्निक को मैंने तो सिर्फ सुना था और इसे यूज करना नहीं आ रहा था, बट आज की डेट में आप देखेंगे कि किस तरह से विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज करके आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम को तोड़ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों इस सीरीज में आप सबको बहुत ही पसंद आने वाला है और आप सब इसका भरपूर आनंद उठाने वाले हैं। इस सीरीज में आप सबको बहुत ही एंजॉय करने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि चीजें यहाँ पे विजुअलाइज करके पढ़ाई जाएंगी, जिससे आप सबकी स्टडी में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आने वाला है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सेशन को स्टार्ट करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।